न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की। न्यूटन ने यह कहा कि जो साउंड ट्रेवल करती है स्पेस में या एयर में, वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। और लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला उसको पता था, गैस में एयर में क्या होता है, के बाय रो, के फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, रो फॉर डेंसिटी ऑफ एयर। तो उसने क्या कहा कि जब साउंड ट्रेवल करती है मीडियम में, एयर के पार्टिकल्स पास आते हैं, कुछ पार्टिकल दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर कुछ दूर जाते हैं। जब वो पास आते हैं तो कंप्रेशन होता है, और जब वो दूर जाते हैं तो एक्सपेंशन होता है। जब वो पास आते हैं तो पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, हीट उनमें मीन्स टेम्परेचर राइज हो जाता है, और जो दूर जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। पर न्यूटन ने ये कहा कि क्योंकि हो तो सब कुछ एनवायरनमेंट में रहे, तो कुछ पार्टिकल अगर गर्म हो भी जाते हैं तो अपनी हीट को एनवायरनमेंट में रिजेक्ट कर सकते हैं, सराउंडिंग में रिजेक्ट करेंगे और अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग जितना मेंटेन कर लेंगे। और अगर कोई पार्टिकल ठंडा हो जाता है तो वो सराउंडिंग से हीट ले लेगा और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो यानी कि ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, ये प्रोसेस उसने कहा आइसोथर्मल है, क्योंकि सब कुछ सराउंडिंग में हो रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और पार्टिकल का टेम्परेचर मस्ट बी सेम। ठीक हो गया यहां तक? तो उसने कहा कि ये जो प्रोसेस है इट इज आइसोथर्मल इन नेचर। तो उसने बल्क मॉडुलस निकाला अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में निकाल चुके हैं, अगर आपको याद हो, बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस चेंज इन प्रेशर बाय डीवी बाय वी। हमने आइसोथर्मल में निकाला था कैसे, हमने थर्मोडायनेमिक्स में निकाला था क्या, पीवी इज अ कांस्टेंट। कैसे निकाला था, एक बार पी को बाहर, वी के डिफरेंशिएशन, वी को बाहर, पी के डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की जीरो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। तो ये क्या है, बल्क मॉडुलस है, तो प्रेशर की क्या आ गई वैल्यू। थर्मो में याद है किया था, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल कंडीशन पे क्या होता है, पी होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो उसने भी क्या किया, बल्क मॉडुलस की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, पी पुट कर दी। एयर का प्रेशर उसको पता था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, डेंसिटी एयर की पता थी उसे, वैल्यूज को उसने पुट किया, आंसर 280 आया, जो कि इनकरेक्ट था, सही नहीं था, क्योंकि सही आंसर 332 है। अब न्यूटन से गलती हुई है यहां पे, जिसको किसने करेक्ट किया, लैपलेस। इंपॉर्टेंट, तीन नंबर का पेपर में आएगा या आपके एनसीईआरटी में, डिस्कस लैपलेस करेक्शन टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, यह आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना। लैपलेस ने यह कहा कि फॉर्मूला साउंड का वही लगाया लॉन्गिट्यूडनल का, पर लैपलेस ने यह कहा कि साउंड जब ट्रेवल करती है पार्टिकल पास आते हैं और दूर जाते हैं, पास आते हैं और दूर जाते हैं। पार्टिकल जो पास आ रहा है और जो पार्टिकल दूर जा रहा है, जो पार्टिकल पास आ रहा है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, कंप्रेशन है, और जो दूर जा रहा है उसका लो हो जाता है। तो लैपलेस ने कहा साउंड की स्पीड इतनी तेज है कि पार्टिकल हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ कर ही नहीं पाता, इतने ज्यादा साउंड आगे निकल जाती है, तो वो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जो पार्टिकल गर्म है वो गर्म रहते हैं, जो ठंडे हैं वो ठंडे रहते हैं, हीट एक्सचेंज नहीं होता। और जिन प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। तो उसने कहा कि न्यूटन ने आइसोथर्मल की कंडीशन गलत लगाई, इट शुड बी एडियाबैटिक। तो उसने बल्क मॉडुलस एयर का निकाला अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। हमने थर्मो में निकाला था क्या था, गामा पी, आइसोथर्मल में पी तो एडियाबैटिक में गामा पी। पर हम ये लिख नहीं सकते ना पेपर में कि हमने थर्मो में निकाला था गामा पी, तो गामा पी करके दिखाना पड़ेगा। एडियाबैटिक की इक्वेशन लिखें, एक बार पी बाहर रखें, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, गामा, वी की पावर एक कम गामा माइनस वन इंटू डीवी, फिर वी की पावर गामा को बाहर रखें इंटू डीपी, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो। तो इसको वी की पावर गामा से डिवाइड कर दें, ये तो कट गया, इसमें पावर एडजस्ट करें, गामा माइनस वन माइनस गामा, गामा से गामा गया, तो सॉल्व करके ये टर्म आ गई, v नीचे आ गया dv by v, इसको राइट साइड पे लेके एडजस्ट करके गामा पी एक तरफ, बाकी टर्म से क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया, पता ही था बल्क मॉडुलस गामा पी आएगा। तो उसने फॉर्मूले में क्या पुट किया, गामा पी। अब एयर का गामा उसको पता था 1.41, प्रेशर वही सेम, डेंसिटी सेम, आंसर 332.5, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये उसने कहा कि जो फॉर्मूला है आपने नोट क्या करना है, आपने पहला फॉर्मूला ये नोट करना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में या किसी भी गैस में गामा इनटू पी बाय रो होगा अंडर रूट,
मोनोटॉमिक गैस है गामा डिफरेंट होगा, डायटॉमिक गैस है गामा डिफरेंट होगा। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट सबको